तुमसे कुछ सवाल करना चाहता था। यूरा की मौत वाले दिन तुम कहाँ थे? तुम बगैर चेकिंग और इनविटेशन के उस क्रूज में दाखिल कैसे हुए? रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको! मैंने कहा रुक जाओ। प्रोफेसर, मैंने कहा रुक जाओ। भागो मत। डॉमी जॉन, रुक जाओ। मेरे पीछे मत आओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। खुदा के लिए, तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। रुक जाओ। मैंने कहा था ना तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ चलो, चले। हम उन सब रिपोर्टर्स को कैसे रोक सकते हैं? क्या ये इतना आसान है? कौन हो तुम? यही रहता हूं मैं, इसी अपार्टमेंट में। तुम लोग यहां नए आए हो, इसलिए शायद मुझे पहचान नहीं पा रहे। खैर, चलता हूं मैं। क्या तुमने इसे अंदर आते हुए देखा? नहीं देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आसमान से नीचे गिरा हो। एक्सक्यूज मी, यहीं रुक जाओ। कैसी कॉफी पियोगे? स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल? वैसे मैं कॉफी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। ये तो एंड पर है, तुम इंस्टेंट कॉफी पी लोगे? मैं इंस्टेंट कॉफी भी बहुत मजे की बना लेती हूँ। यहां क्या करने आए हो? बस ऐसे ही तुम्हारा ड्रेसिंग रूम देख रहा था। काफी अच्छा बना हुआ है। कॉफी रेडी है। वैसे तुम ठीक तो हो ना? क्यों? सब यूरा की मौत को लेकर परेशान है, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। और तुम ठीक हो? क्यों, क्या हुआ मुझे? वो यूरा उस दिन तुमसे बात कर रही थी, कोई ऐसी बात जो चाहती थी कि सबको मालूम हो जाए। तुमसे ये सब किसने कहा? मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी। क्या सुना था? वही जो तुमने कहा। किस बारे में और किस वक्त? नीचे वॉशरूम के पास वो तुमसे कह रही थी कि शादी की अनाउंसमेंट कर दो। वो गुस्से में थी और तुम उसे समझा रहे थे कि परेशान ना हो।
तुमने किसी को बताया तो नहीं इस बारे में? नहीं, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। वैसे यूरा का इस तरह मर जाना मुझे भी अजीब लग रहा है। मेरा उसे जो भी झगड़ा हो, लेकिन काफी खुश थी वो उस दिन। वो तुमसे प्यार करती थी ना? तो तुमने उस दिन हमारी बातें सुन ली। कितनी गलत बात है। क्या तुमने बताया था तुम्हें इंसोम्निया है, वो बीमारी ठीक हुई? नहीं, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मैं दवाइयां ले रही हूँ, डॉक्टर ने कहा है थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इसलिए तुमसे मिलने आया था। यूरा भी डिप्रेशन में रहती थी, बहुत ख्याल रखना चाहिए अपना तुम्हें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम यहाँ कैसे? क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता? ये किसके शूज है? कौन आया हुआ है? शूज? वही तुम्हारा पड़ोसी है ना? देखो, सच सच बताओ मुझे। वो नहीं है, भाई आया है तुम्हारा। भाई? आप यहां क्या कर रहे हैं? बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा चैंग से मिल लूं। आप मेरे भाई हैं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि आप मेरी गैर मौजूदगी में इससे मिलने आए। ये ठीक नहीं। तुम भी ना? तुम्ही ने तो कहा था चैंग परेशान है, तो इसलिए मिलने आ गया। बस जाने वाला था मैं। थैंक यू उपा। अच्छा, इसे भी साथ ले जाना। क्यों, मैं अभी अभी तो आया हूं। भाई, आप मॉम को बता दीजिएगा कि मैं आज रात नहीं आऊंगा। मुझे माफ करना, पर यह मेरी ड्यूटी है। आप तो जानते हैं कि यहाँ पर कितनी सख्त सिक्योरिटी रखी जाती है एक्ट्रेस चैंग की वजह से। यहाँ पर रहने वालों को इस बात से बहुत शिकायत भी रहती है। क्या मैं जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं। क्या हुआ? एक ही वक्त में सारी सीढ़ियों की लाइटें कैसे बंद हो सकती हैं? क्या कोई खराबी हो गई है? कोई भी चीज इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं कर सकती, चाहे जितना भी मसला हो, सिवाय भूत के। शायद मेरे ख्याल से कैमरे टूट गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने चैंग की मदद की हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और शुक्रिया इस बात का भी कि तुम्हारी वजह से मुझे चैंग से मिलने नहीं दिया गया। चैंग सॉन्ग कहाँ है? क्या कमाल है भाई। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम आए हो, तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया अचानक? चैंग, दरवाजा खोलो। चैंग, ये लियो को क्या हुआ? वो बाहर क्या कर रहा है? तुम ठीक हो? मुझे क्या होना है? दरवाजा खोलो। चैंग, तुम सुन रहे हो? मुझे बाहर क्यों छोड़ आए हो? क्या हुआ? क्या अभी कोई तुमसे मिलने आया था हम दोनों से पहले? हाँ, ऊपर आया था। वो कौन है? तुम जिसे बाहर छोड़ आए हो वो उसी का भाई था। और कुछ गलत मत सोचना, वो अच्छा लड़का है, बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है वो। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? चैंग, उसे बाहर निकालो। चैंग, दरवाजा खोलो। प्रोफेसर, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। हाँ छोड़ो, दरवाजा खोलूँ मैं। किस किस्म की लड़की हो तुम? कोई भी तुम्हारे घर आएगा तुम दरवाजा खोल दोगी? तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसे हर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ सही कह रहे हो तुम, मुझे किसी को भी ऐसे घर में आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, तुम्हें भी नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ तुम्हें बताने मुझे पता है क्या करना चाहिए। अब जाओ यहाँ से, जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? धक्के क्यों दे रही हो मुझे? तुम जैसों के साथ ऐसे ही करना पड़ता है। तुम ठीक हो ना? हाँ, इसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? हेलो, तुमने क्या हर किसी को अपने जैसा समझा हुआ है? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना, तुम मुझे शक्ल से ही अच्छा आदमी नहीं लगते। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो लड़कियों के पीछे घूमता है। ओ अच्छा, फिर क्यों पड़े हो उसके पीछे? अच्छा बस, बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है।
सही कहा। चलो जाओ अब तुम। तुम भी जाओ। क्या? मैं क्यों जाऊं? अरे मैं तो तुम्हारे लिए। प्रोफेसर, तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। ये फ्लैट तुम्हारा अपना है या किसी अंकल का? या रेंट पे हो? लीज करवाया हुआ? तुम्हें इससे क्या मतलब है? अगर वो फ्लैट तुम्हारा है तो मैं उसे खरीदना चाहूंगा दुगनी कीमत में। फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता कि तुम चैंग सॉन्ग के पीछे इस तरह क्यों घूमते फिरते रहते हो, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हो तो मत सोचना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरी है और मैं उसका हूं। अच्छा, क्या उसने कहा कि वो तुम्हें चाहती है? अभी तक उसने कहा नहीं है, लेकिन जल्द ही मान जाएगी वो। तुम जानते ही क्या हो, हम दोनों ने एक साथ स्कूल पढ़ा है। बचपन से उसे जानता हूं इतना कि कोई भी नहीं जानता। उसके हर कदम पर उसके साथ रहा हूं। उसकी अच्छाई बुराई हर चीज से सिर्फ मैं वाकिफ हूं और कोई नहीं। और मरते दम तक मैं उसका साथ देना चाहता हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, और मुझे यकीन है कि एक दिन वो मेरे प्यार को समझ जाएगी। इसलिए तुम भी ये बात अच्छे तरीके से समझ लो कि वो सिर्फ मेरी है। जलन का एहसास, ये वो एहसास है जो बचपन से ही पैदा हो जाता है। हर कोई इस एहसास को महसूस करता है, और हमें ये जलन उस वक्त महसूस होती है जब हमें इस चीज का एहसास होता है कि हम किसी अपने को खोने वाले हैं। आप जिसके लिए इतने ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, अगर वो किसी और के साथ जाना चाहे तो, जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते थे, जब ये जानते हैं कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा, तो एक दर्द भरा पहाड़ आपके ऊपर गिर पड़ता है। जब कोई छोटा बच्चा अपनी माँ को दूसरे किसी बच्चे को गोद में लिए देखता है, तो वो जाके फौरन से पहले उसे हटाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसकी कोई जगह ले रहा है। जलन का एहसास बहुत ही जहरीला होता है। इंसान को वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है जो उसके ज़हनो गुमान में भी ना हो। सर, क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है? कुछ समझे? अब दोबारा चैंग सॉन्ग के आसपास भी तुम मुझे नजर नहीं आना, वरना मुझसे बुरा कोई। मैं किसी वजह से गया था। ऐसी भी क्या वजह थी? वो अपना कुछ सामान मेरे घर भूल गई थी, बस वही देने के लिए गया था। समझे तुम? क्या वो अपना सामान तुम्हारे घर कैसे भूल के आ गई? क्या वो होश में नहीं थी? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। तुम तो जानते हो जब वो होश में नहीं रहती तो उसे कुछ याद नहीं रहता। और हाँ, मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जिसकी वजह से आपको भी कभी जलन महसूस हुई हो हमें बताइए। मेरी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसके लिए मैं जलन महसूस कर सकूं। लेकिन ऐसा बनने के लिए इंसान को अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, जिसके लिए जिंदगी बहुत कम है। चले, आज का लेक्चर खत्म होता है, कल मुलाकात होगी। आप लोग एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दें। लूना, यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स और यूरा के फैंस मौजूद हैं, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। और उसकी फैमिली भी तुमसे नहीं मिलना चाहती, हमें वापस चलना चाहिए। मैं तो सिर्फ उसका लज पहुँचाना चाहती थी। क्या हो रहा है, कुछ हुआ है क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने खुद मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की थी। कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स? जवाब दो मुझे। देखिए, कंपनी को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, अब मजीद नुकसान नहीं कर सकते। वो मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। मुझे अभी एडवांस के पैसे चाहिए। तुमने तो मुझसे कहा था हम एक फैमिली की तरह काम करेंगे, अब बात से पलट क्यों रहे हो? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। देखिए प्लीज, मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपसे खत्म हो गया है, हम आपसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। ओ अच्छा, तो अब तो मुकर रहे हो।
अच्छा हुआ चैंग सॉन्ग भी आ गई। अब तुम्हें जो भी कहना है इसके सामने कहो। इनको बता दो कि तुम इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो। वो मैं इन्हें बता रहा था कि तुम्हारा नहीं करना मुझे कॉन्ट्रैक्ट। क्या? मैं उस वक्त तक कोई काम नहीं करूंगी जब तक सारे इल्जाम हट ना जाए। इस मसले से मुझे बाहर निकलना है। मेरी रेपुटेशन दोबारा मुझे वापस चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, और आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। यानी कि नुकसान भी भरोगी? कैसे भरोगी इतना बड़ा नुकसान? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ या अभी साइन करेगी? मैं कुछ दिन ब्रेक लूंगी, मुझे कॉल मत करना। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना बस। मुझे फॉलो मत करो, अब तुम मेरी मैनेजर नहीं रहे। इसने तो खुद ही मसला हल कर दिया। उसने तुम्हें निकाल दिया, जाओ। रुको, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? तुमने ऊपर ऐसा क्यों बोला? इतनी बड़ी रकम कहाँ से चुकाओगी तुम? क्योंकि उसमें सारी गलती मेरी थी, इसलिए नुकसान मुझे ही भरना होगा। अब तुम मुझे सिखाओगी? मैं तुमसे कितने अच्छे से बात कर रही हूँ। क्या अपनी माँ के साथ इस लहजे में बात की जाती है? मालूम है तुम्हारे सारे ड्रामे खत्म हो चुके हैं और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, कैसे अदा करोगी पैसे? हाय सिमी, क्या तुम यहाँ पर काम मांगने के लिए आई हो? बहुत अच्छी बात है। दरअसल हम लोग यहाँ पर डायरेक्टर से मिलने आए थे क्योंकि अचानक से उन्होंने सिमी का रोल तब्दील कर दिया है। रोल तब्दील कर दिया? वो किस वजह से? क्या तुमने नहीं सुना? उन्होंने ड्रामा की कहानी बदल दी है और उनके पास कोई हीरोइन भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने तुम्हारी बेटी को ड्रामे से रिप्लेस करके सिमी को कास्ट कर लिया है। क्या मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? चैंग, बुरा मत मनाना, ये सही है कि मुझे ऑफर आई है लेकिन मैंने काम करने से मना कर दिया। क्या तुमने मना कर दिया? जी हाँ मॉम, मैं आपको बताने ही वाली थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पहली बार मेन हीरोइन का रोल मिला था। हाँ जानती हूँ, लेकिन मैं कैसे कर सकती थी? सिर्फ इसलिए कि चैंग को रिप्लेस करके मुझे रखा जाए? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकती मॉम। अगर मुझे लीड रोल मिलना होगा तो वो कभी ना कभी मिल ही जाएगा, लेकिन अपनी फ्रेंड की जगह मैं कभी नहीं ले सकती। वैसे तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है। परेशान मत होना, अब सब कुछ ठीक है, मैंने डायरेक्टर ऑन से बात कर ली है। कर लो। क्या? किसी ना किसी को तो वो रोल करना ही था मेरी जगह, और इस बात के लिए तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराना। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, और वैसे भी तुम्हारी जगह सिमी ही ले सकती है। मगर मैंने कहा ना तुमसे, कर लो। चैंग, तुम ओन इंतजार कर रहा है तुम्हारा, जाओ मिल लो। आंटी का फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो गया, काफी अच्छी हील्स पहनी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो मेरी मॉम सीढ़ियों से गिर गई है, फ्रैक्चर आया उन्हें। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। सिमी, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं। क्या तुमने सच में इस ड्रामे में काम करने से मना कर दिया है? चलो मेरे साथ, हमें अभी जाके डायरेक्टर ऑन से बात करनी होगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे कह चुकी हूँ मैं करूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने उनसे झूठ कहा? मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, और मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैं उसकी जगह लेना चाहती हूँ। मगर मॉम, आपने उसका चेहरा देखा था? मेरी खुशी पे वो खुश नहीं थी, जबकि मैंने उसे हमेशा
उसकी कामयाबी पे सराहा है। वो इस वजह से, क्योंकि उसने तुम्हें कभी अपना अच्छा दोस्त माना ही नहीं था। लेकिन अब तुम्हारी बारी है आसमान की बुलंदियों को छूने की, और देखना जब तुम कामयाब होगी तो कितनी जलन होगी उसे। जरूरत है तुम्हारी, कहाँ हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वो लड़का है क्या चीज, अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मेरे हाथ से आज तक कोई भी बच के निकल नहीं पाया, मेरा मजाक बना दिया उसने, छोड़ूंगा नहीं उसे। वो लड़का हमारे लिए सिर्फ एक गवाह है, हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो गाड़ी के हटते ही अचानक गायब कहाँ हो गया? ऐसा लगा हवा में उड़ गया हो। हो सकता है वो कहीं छुप गया हो और तुम्हें पता ना चला हो। इतने कम वक्त में ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें याद है ना किस तरह वो सीसीटीवी फुटेज में अचानक से गायब हो गया था? बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ याद आया? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हाँ, हो सकता है, कल रात बहुत बारिश हो रही थी। वैसे ये है कौन? प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। वो कोई मामूली प्रोफेसर नहीं है, तुम्हारी सोच से ज्यादा दौलत है उसके पास। वाकई? मेरे पास तो बस कुछ ही रिकॉर्ड हाथ लगा है, और कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास हम नहीं जानते। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स में ये देख रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ, तुमने इतने सारे पैसे बनाए कैसे? 400 सालों से जमा कर रहा हूँ, वैसे जितना भी खर्च कर लूँ खत्म नहीं होंगे। इतनी सारी दौलत का हिसाब किताब कैसे रखोगे? वैसे तुमने पहले यहाँ आकर क्या काम शुरू किया था? यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैंने जमीनों की खरीदो फरोख्त का काम शुरू किया। बहुत फेमस हो गया था मैं। एक आदमी था मेरे साथ यूज एंड डोज, उसने बहुत मदद की थी मेरी। ये सारी जगह और उधर भी, दिखने में तो ये बंजर जमीन है, लेकिन अगर इस पे थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये शहतूत की तरह मीठे फल देगी। मैंने जमीन पर काश्तकारी की और बहुत सारे पैसे बनाए, और अब कई सालों के बाद वहां एक बहुत जबरदस्त पार्क बन चुका है। ये सारी जगह बेचनी है, उन्होंने कहा है कि इस जगह को बेच दिया जाए। दरअसल इस जगह पर काफी नामुनासिब वाकयात पेश आ चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस जगह को जल्द से जल्द बेच दिया जाए। बहुत सस्ते दाम में बेच रहे हैं, इससे मुनासिब मौका नहीं मिलेगा, खरीद लो। मैंने वो जगह बहुत ही सस्ते दामों में खरीद ली थी, और आज उस जगह पर अपार्टमेंट्स बने हुए, 6,000 लोग रहते होंगे वहाँ। एक और जगह थी जहाँ पर तकरीबन 300 गांव थे, हर गांव में तकरीबन 200 के करीब या उससे ज़्यादा लोग रहते होंगे। मैंने इस काम को बहुत टाइम दिया है, दिन रात लगातार यही काम करता रहा, और बहुत फ़ायदा हुआ। इस ज़मीन के काम की वैल्यू, पहाड़ी इलाके जहाँ खुले मैदान हों वहाँ बहुत अच्छे पैसे में ज़मीन बिक जाती थी। वाह! लेकिन वहाँ के लोगों में इतना शोर नहीं था, मुझे नहीं पता कि आज वो लोग क्या करते होंगे। अगर वो ज़मीन की वैल्यू को जान जाए तो सोच नहीं सकते वो कितने अमीर हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी प्रॉपर्टी और वो पेंटिंग्स, इन सब चीज़ों का करना क्या है? उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू कर दें, और वो मेरी पुरानी पेंटिंग्स भी, उन्हें भी बेच दीजिएगा मेरे जाने से पहले। हो सकता है लोग आप पर शक करें, लेकिन घबराइएगा नहीं, आप ये कर सकते हैं। हाँ, कर दूंगा मैं। यानी तुम अपनी वापसी की तैयारियां कर रहे हो, तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है। हाँ, सही कहा आपने,
मैं अपने जाने का इंतजार 400 सालों से कर रहा हूँ और जाने से पहले मैं अपनी सारी यादें मिटाना चाहता हूँ। किसी की भी याद साथ लेकर नहीं जाना चाहता। वो क्यों? मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। जब मैं यहाँ आया था तब बहुत डरा हुआ था, अब जाने के दिन करीब आ रहे हैं तो भी डर लग रहा है। जब जाऊँगा तो बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, बहुत से लोग मेरे बारे में सोचेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि सबको जाना है। मुझे अपनी सारी यादें मिटानी है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की, जो इतना आसान नहीं है। प्लीज एक सेलफोन ले लो, मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तो रब्ता नहीं कर पाती। मैंने तो सोचा था वो हमेशा के लिए चली गई है। क्या मैंने कभी यह चाहा था कि वो लौटकर मेरे पास वापस आए? आ गए तुम। वैसे तुम जानवरों की मदद करने के लिए फौरन पहुंच जाते हो, यह अच्छी बात है तुम्हारी। मैं पूरे हफ्ते इंतजार करता हूं कि कब तुम बुलाओ मुझे, कैसे छोड़ सकता हूं इसे। अरबों रुपयों की जायदाद के अकेले मालिक हो तुम, मगर फिर भी तुम मगरूर नहीं हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करता। क्या हुआ है इसे? कोई इसे हाईवे पे छोड़कर चला गया था। सारी रात ये खुले आसमान के नीचे रहा है तो इसे बुखार भी है। टेस्ट किए तुमने इसके? हाँ मैंने कर लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका ब्लड टेस्ट भी किया है तो मालूम हुआ है, इसके ब्लड टेस्ट में आया है कि इसको बहुत बुरा नमूनिया हो गया, और इसका एक्सरे किया है तो इसकी टांग फ्रैक्चर आई है। मुझे पता है कि इसे यूथनेशिया है। अच्छा तो फिर इसे कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? मैग्नीशियम सल्फेट दो इसे। तुम ठीक हो जाओगे दोस्त। अच्छा अब ये बताएं, बाहर तो बहुत सर्दी है तो उसके लिए कुछ चाय या कॉफ़ी मंगवाऊँ आपके लिए, पियेंगे आप? हाँ पियूंगा, ला दो इसे। बात सुनो तो कॉफ़ी लेकर आओ। बस थोड़ा सा इंतज़ार, ठीक हो जाएगा ये दर्द। ओ माय गॉड, आज तो मेरी सालगिरह नहीं है फिर भी शुक्रिया। आप भूल रही हैं कि आज आपकी बेटी का बर्थडे। ओ हाँ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तुम नहीं जानते चैंग को कितनी मुश्किलों से पाला है मैंने, हर एक ख्वाहिश पूरी करती थी मैं उसकी। क्या तुमने उसके बर्थडे का कुछ प्लान किया है? क्योंकि आज के पूरे दिन वो बिल्कुल फ्री होगी। उसे डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। डिनर पे ले जाना तो मामूली सी बात है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसके लिए ऐसा कुछ खास करो जिससे वो खुश हो जाए। जैसे कि क्या? मैं तुम्हें कोई आइडिया दूं? सर आज दोपहर में मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मुझे हाफ डे की लीव चाहिए होगी। हाफ डे लीव? हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे माफी भी मांगनी है, मुझे आपके साथ जाना था। तुम लेकिन उसकी फिक्र ना करो, अपना काम करो और जाओ। वैसे मैं पहली दफा देखना चाहता था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कैसे डील करते हैं, क्या होता है। क्या तुम वाकई देखना चाहते थे? मीटिंग कैंसिल हो सकती है आज की। सर हमारा क्लाइंट यूके से आ रहा है, अब तक तो वो लैंड भी कर चुका होगा। तो क्या वो यूके से दोबारा नहीं आ सकते? सिर्फ 12 घंटे का ही सफर है। कैंसिल करो, तुम्हारे लिए हम आज की मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं। वाकई आप सच कह रहे हैं? थैंक यू सो मच। आज 4 बजे टेस्ट है, लाजमी आना है तुम्हें। राइटिंग तो बहुत बुरी है इसकी, वैसे प्रोफेसर है। चैंग आज रात को तैयार रहना, तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइज है।
भाई हो तुम मेरे, बढ़ते भी विश नहीं किया तुमने मुझे। कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ। सुना है काफी मसरूफ हो आजकल काम में। हाँ सही सुना है। वैसे तो ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं इनके साथ काम करूं, लेकिन मुझे और भी बहुत काम है। आज मेरा टेस्ट है और मुझे कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा मैनेजर तो तुम्हारे साथ है नहीं, तो क्या अकेले जाओगी? हाँ अकेले जाऊंगी, मुझे ड्राइविंग आती है और लाइसेंस भी है, जरूरत नहीं है किसी की। मेरी जाने मन, आज हम आपको खुद चलाएंगे। ओके ओके। बाय बाय, मैं चैंग सॉन्ग हूँ। वाओ, इतने अरसे बाद गाड़ी चला के कितना मजा आ रहा है। मुझसे अच्छी गाड़ी तो कोई भी नहीं चलाता। ये अंदाजा तो आज हुआ मुझे। वाह क्या बात है, तुम्हारे जैसे कोई नहीं। ओ फ्यूल खत्म हो गया, अब फ्यूल डलवाना पड़ेगा। ओ आ गया। फुल कर दो टैंक। पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल, लेकिन ध्यान से। ओ मेरा पर्स, पर्स कहाँ गया? लेके आई थी मैं। अरे अरे कहाँ गया? हाँ? आपका पर्स। उप्स, थैंक्स। साइन कर दीजिए इस पर। लाइए। माय गॉड, हमें इस वक्त चैंग सॉन्ग के घर के बाहर। हेलो, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से आपकी गाड़ी को हिट कर दिया है। क्या आप एक मिनट के लिए बाहर आ सकती हैं? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आप एक मिनट के लिए बाहर तो आए, देखें तो सही गाड़ी को। मैडम देखें कितनी महंगी गाड़ी को नुकसान पहुँच गया आपकी। अरे कोई बात नहीं, इतनी भी महंगी नहीं है, आप जाओ। ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मुझसे गलती हो गई है, माफी मांगना चाहता हूँ आपसे, बल्कि जो नुकसान होगा वो भी भरूंगा।
तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा। लोग आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं, आपको उनके जवाब देने होंगे। देखिए, मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है, हम सब पहचानते हैं कि आप चेंग सॉन्ग हैं। देखिए मैडम, बाहर आ जाएं, वरना ये लोग दरवाजा तोड़ देंगे आपकी गाड़ी का। आपने अनजाने में नहीं किया है, ये सोच समझ के किया है। पार्क गाड़ी को आपने आके हिट कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि किसी को चोट भी लग सकती है। क्या आप नहीं जानते कि आपके ऐसा करने पर आपको सजा भी हो सकती है? कौन हो भाई तुम? चेंग सोंग का वकील हूं मैं, और इस एक्सीडेंट का गवाह भी। और अगर आपकी हरकत की वजह से इन्हें जरा भी चोट आई तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, 10 मिलियन। और अगर जुर्माना नहीं भर पाए तो 7 साल की जेल भी हो सकती है। आप ये सब जानते हैं, तब भी आपने ऐसा किया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तो उनसे सिर्फ बात करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहा और आप उसे खुलेआम धमकी देते हैं तो लॉ नंबर 233 आपको कम से कम 3 साल की कैद हो सकती है और 5 मिलियन का जुर्माना भी। इस तरह के केसेस बहुत कर चुका हूं मैं, अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो क्या किया जाए? पुलिस को कॉल करके बुला लूं मैं? यहां बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? आप तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन अगर ये तस्वीरें अखबार में आई तो आप सबके खिलाफ ही मुकदमा कर सकता हूं। बाहर आओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। छुपता वो है जिसने कोई जुर्म किया, तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारा वकील हूं मैं। तुम मेरे मैनेजर भी तो हो ना, भूल गए? चलो मैनेजर, चलते हैं। शॉर्ट लो इसका। इसे क्या हो गया यार? शबी कितनी देर कर रहे हो? ये क्लासरूम तो नहीं लग रहा, मेरे टेस्ट का क्या होगा? हम लोग क्लास में नहीं जा रहे। तो फिर हम कहाँ जा रहे? ये कौन सी जगह है? म्यूजियम है, बहुत सी पुरानी चीजें हैं यहाँ पर। थैंक यू, तुम वहां मेरी मदद के लिए आ गए। वैसे तुम वकील कब बन गए? लॉ की डिग्री भी है क्या? काफी बातें जानते हो तुम कानून की। अच्छा, मेरे टेस्ट का क्या होगा? क्या चाहते हो, क्या मैं फेल हो जाऊं? तुम टेस्ट में पहले ही फेल हो चुकी हो क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? कि मैं ऊंचा बोलना मना है यहाँ पर। मुझे ऐसी जगह पे आना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर थोड़ी देर और यहाँ रही तो बोर हो जाऊंगी और यही सो जाऊंगी। भाई, क्या हालत बनाई हुई है रूम की। Wow.
चैंग, ये तुम्हारे लिए। तुम क्यों आए हो दोबारा यहाँ? चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चैंग, चैंग। तुम आ रही हो ना? हाँ आ जाऊंगी, लेकिन सोच रही हो तुमने क्या स्पेशल किया होगा? वही बैनर लगाया होगा, फूल लगाए होंगे और बलून्स लाए होंगे ना? इसके अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम एक बार आ तो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। लियो, मुझे पता है कि तुमने क्या स्पेशल किया होगा। 1000 फूलों का गुलदस्ता मंगवाया होगा और उस पर कार्ड भी होगा जिस पर मेरा नाम लिखा होगा। देखो तुम मुझे बहुत तंग करोगे, इसलिए मैं आज नहीं आने वाली, कल मिलते हैं। अरे मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम आ जाओ एक बार, मैं वेट कर रहा हूं। ओके बाय। शिट, सुनो सुनो सुनो, ये फूल उठा के ले जाओ यहाँ से। सब हटा दे? हाँ हाँ सब हटा दो यहाँ से भी, और वो बैनर भी हटा दो, और सारे बैलून भी हटा दो वहां से, सब कुछ हटा दो। हाँ जल्दी। लिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया। पता नहीं कितने दिन लगेंगे मेरी गाड़ी ठीक होकर वापस आने में। भूमा से कहूंगी, वो ले आएगा, लेकिन उसे तो मैंने नौकरी से निकाल दिया है। वैसे तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? 3 महीने की छुट्टियां हैं कॉलेज की। क्यों भाई, छुट्टियां हैं तो तुम दूसरी जॉब कर सकते हो। मेरी मैनेजर बनोगे? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, तुम मेरे मैनेजर नहीं बनना चाहोगे? अच्छा ठीक है, तुम मेरे लीगल एडवाइजर बन जाओ। वो क्या है कि तुम बेहतर तरीके से संभाल सकते हो। जब 12 साल की थी तब से ही मैं दूसरे लोगों के ऑर्डर पे काम कर रही हूँ। ऐसे करो, वैसे करो, ये ना करो, खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाई। मुझे कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन 2 दिन हो गए मैंने कॉफी नहीं पी, वो भी मैनेजर ऑर्डर करता था। क्या पे थी? कॉफी की पेमेंट नहीं, मैनेजर की। सैलरी क्या थी उसकी? प्रोफेसर, ये यहां क्यों है? तुम क्यों आए हो यहां? मैं लेकर आई हूं इसे, इसने मेरी हेल्प की तो मैंने कहा डिनर कर लो साथ। बिल्कुल नहीं, तुम जा सकते हो अब। लियो क्या हो गया? मैं यहां रुकने के लिए आया भी नहीं हूं, लेकिन चैंग को जल्दी घर भेज देना। अच्छा, ये क्या 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 है? रुको बात सुनो, तुम खुद को समझते क्या हो? बहुत स्मार्ट बंदा, क्या बात है, पार्क में कोई भी नहीं है क्या? सारा पार्क बुक करवा लिया है, पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हो तुम। नहीं वो ठीक है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ। असल में आज बहुत सर्दी है ना, शायद इसलिए कोई नहीं आया यहाँ। फोन पे तुम कुछ कह रहे थे। हाँ वहाँ देखो, तुम अक्सर बताती थी ना
कि तुम अपने बर्थडे पर यही झूला झूलने आया करती थी? कितना अच्छा मंजर है ना पापा? बचपन से पसंद है तुम्हें ये। मेरा जी चाहता है कि मैं हवाओं में उड़ूं। मुझे ऐसे ऊंचाई पे आना बहुत पसंद है। बेटा ये बताओ, कहीं एक्टिंग की वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? तुम इस तरह मुझसे मिलने आती हो, तुम्हें बुरा लगता होगा ना? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो मामा मुझे कुछ कहते भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत पैसे कमाने लग गई हूँ इसलिए। देखो, अगर वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही है तो तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। नहीं नहीं पापा, मुझे भी पसंद है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलती हूँ, और आपको पता है अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एडम से हुई थी, जो सिंगर है। बहुत खूबसूरत है वो। अच्छा, क्या तुम्हारे पापा से भी ज्यादा खूबसूरत है? ओहो, आप तो मेरे पापा हैं। आपके जितना खूबसूरत और हैंडसम मेरे लिए पूरी दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। मस्का लगा रही? बहुत होशियार हो पापा। अच्छा बस करें। हाँ, मैं अपनी हर बर्थडे पर पापा के साथ यही झूला झूलने आया करती थी। तुम तो काफी कुछ जानते हो। क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? चले। मैं उदास क्यों हो रही हूँ? ये है क्या? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे? वो सिर्फ मेरा एक ख्वाब है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक सितारा है जो मुझसे बहुत दूर है, किसी पुराने किस्से की तरह। जल्दी करो वरना वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे। मुझे मेरी दादी ने दिया था और कहा था कि जब तुम किसी से बहुत दूर जाने लगो तो उसे कुछ ऐसा कहो जो उसे हमेशा याद रहे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो उस दिन नहीं कह पाई। तुम्हें याद है वो मेरी पहली बर्फबारी? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दूँ, क्योंकि इस दुनिया में और कोई नहीं है जो मुझे तुम्हारे जितना प्यार कर सके और मेरा ख्याल रख सके। लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले ही मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते। मेरी माँ, उसने तक मुझे मारने की कोशिश की। जब मैं तुमसे मिली तो
मुझे जीने की नई उम्मीद नजर आई, मगर ख्वाब कभी सच नहीं होते। बहुत बदनसीब हूं मैं। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मुझे अफसोस है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम वापस चले जाओ, इस दुनिया के लोग बहुत जालिम हैं और तुम बहुत मासूम हो। मैं मरने के बाद भी तुम्हें याद रखूंगी। गिरफ्तार कर लो इन्हें। तीरंदाजों तैयार हो जाओ, सामने की तरफ मेरे इशारे पर। छोड़ो, जिंदगी में कुछ बातें हम कभी नहीं भूल पाते। मैं उस वक्त को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। जिस लड़की ने मुझसे मोहब्बत की, उस लड़की को मैंने अपनी आंखों के सामने खो दिया। खुद को उस दिन से ज्यादा बेबस कभी महसूस नहीं किया था। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है इन दिनों। तुम्हारा शुक्रिया मुझे यहां पर लेकर आने के लिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं चैंग, सच्चे दिल से। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन कुछ बातें तुम्हें बताना जरूरी है। मैं एक ऐसा लड़का हूं जो अपनी दुनिया में मगन रहता है हमेशा, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। जानती हूं। पता है, मुझे हमेशा ही इस बात का डर रहता था कि तुम मुझे इनकार कर दोगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। सोचता था आज नहीं तो कल तुम मान ही जाओगी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। लोग चांद तारे तोड़कर लाने की बातें करते, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए चांद तक दे सकता हूं चाहे। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं मैं। जरूरी नहीं है कि
तो मुझे अभी जवाब दो, सोच लो, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक। मैं जानता हूं कि तुम अभी कुछ नहीं कहोगी। नहीं लियो, मैं अभी तुम्हें इस बात का जवाब दूंगी। और मेरा जवाब है कि मैं चाहता हूं जिंदगी में तकलीफ देने वाले लम्हात रुक जाएं। मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहता था। 그런 한마디가 있습니다. 우리 누나 술은 절대로 세 잔 이상 먹이면 안 돼요. 개대거든요. 진짜 물기도 해요. SNS는 못하게 막으세요. 입만 열면 홀라당 깨는 스타일이에요. 마지막으로 우리 누나가 피해야 할 작품들이에요. 메디컬 안 돼요. 의료 용어 못 외워요. 법정물 안 돼요. 긴 거 못 외워요. 사극? 안 돼요. 조선시대 싫어해요. 유식이 형아, 날 잘하네. 아, 근데 나 왜 조선시대가 싫지? 이상하게 싫어.